बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिसर्च। प्रीवियसली यू स्टडीड अबाउट ऑब्जर्वेशनल मेथड। टुडे द मेथड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस मेथड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड which has given psychology the status of a science. Now what the experimental method is? Experimental method or experiment, an experiment refers to an investigation in which a factor or variable under study is isolated and its effects are measured. यानी ऐसा तरीका, experiment एक ऐसा investigative mode होता है जिनमें कोई एक फैक्टर और वेरिएबल, कोई भी चीज़ जो फैक्ट होता है, जो भी सिचुएशन, जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, कोई भी इवेंट, उसके मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं, उसके जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं, उनको अलग अलग स्टडी करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स को मेजर किया जाता है। इन एन एक्सपेरिमेंट द इन्वेस्टिगेटर मेजर्स द इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच ही कंडक्ट्स इंटेंशनली। एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो एक डिज़ाइन करता है एक्सपेरिमेंट को, और फिर जो एक्सपेरिमेंट वो करता है उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखता है कि उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उनको क्वांटिटेटिवली मेजर करता है। यानी उसकी उसको सिर्फ ये नहीं कि गेस करता है कि ऐसा हो गया है तो ऐसा हो गया होगा, बल्कि वो विद फर्म बिलीफ और विद साइंटिफिक मेजर्स क्वांटिफाई करता है, मिकदारी तौर पर उसको मेजर करता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ मेथड गिवन इन योर बुक। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड सिस्टमेटिक एफर्ट्स आर मेड टू एनालाइज फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली। इन एन एडवांस्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड मेथड एंड इज अप्लाइड इन अ लेबोरेटरी। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये अक्सर जो है लैब्स में होता है, वैसे ये फील्ड में भी हो सकता है। फील्ड स्टडी मेथड जो है वो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक वेरिएशन है, तो जिसको हम बाद में देखेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक यानी तरतीबवार और इंटेग्रेटेड तरीका होता है, जिसमें एफर्ट्स आर मेड, जिसमें कोशिश की जाती है टू एनालाइज फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली। जो भी वाकयात, जो फैक्ट्स हमारे माहौल में होते हैं, उनको उनका तजिया करना, उनकी डिटेल में जाना, उनकी डिटेल तक उनको समझना जो है वो इस तरीके में होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंटिफिकली स्टडीज स्टिमुली एंड द रिस्पॉन्सेज शोन बाय द ऑर्गेनिज्म। स्टिमुली, स्टिमुलस का जमा की प्लूरल होता है। स्टिमुलस मैंने आपको बताया था कि ऐसी एनवायरमेंटल फोर्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स या ऑर्गेनिज्म के ऊपर असरअंदाज हो और उसके अंदर रिएक्शन पैदा करे। जैसे टेम्परेचर चेंजेस, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ है, गर्मी से एकदम सर्दी आई है, तो जो टेम्परेचर का ड्रॉप होना है ये एक स्टिमुलस है। और इसके साथ ही हमारा रिएक्शन चेंज हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारा जो पहनना ओढ़ना है वो चेंज हो गया है, हमारा जो खाना पीना है वो हैबिट्स, जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनमें भी कुछ चेंज आया है। अब हम हॉट बेवरेजेस की तरफ जा रहे हैं ठंडी चीज़ों की बजाय। तो ये क्या है, ये रिएक्शन है हमारा ऑर्गेनिज्म का, जो कि एनवायरमेंटल चेंज से आता है। इसी तरह से टेम्परेरीली बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो वक्ती तौर पर हमें मुतासर करते हैं, जिनको हम स्टिमुलस कहते हैं, और फिर हम उनका रिएक्शन भी देते हैं। तो बहरहाल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप साइंटिफिकली मेजर करता है। अब जो मैं तीन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, ये मैंने लेबल भी कर दिया है और इनके पॉइंट्स भी बना दिए हैं। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स एंड देयर इफेक्ट्स आर आल्सो एनालाइज्ड। अभी आप आगे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेबल हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, जिन्हें वेरिएबल कहा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, तो इस मेथड में उनका लिंक स्टडी किया जाता है। दूसरी चीज़, the nature of problem and the factors allied to it that is problem are brought out with objectivity. कोई भी सिचुएशन जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वो हमारे लिए एक नई सेंस होती है, हम परेशान होते हैं उससे और हम उसको सॉल्व भी करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दरअसल एक्सपेरिमेंटेशन की एक फॉर्म है, और इसमें प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट्स इज एस्टेब्लिश्ड एंड डिफरेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कॉल्ड हाइपोथेसिस आर फाउंड आउट. तो हाइपोथेसिस कहते हैं एक स्टेटमेंट जो कि फर्जी होती है किसी भी चीज़ के बारे में. जैसे अगर सुबह को आप टैप खोलें और आपको पानी बहुत ठंडा लग रहा हो तो आपको फौरन ख्याल आएगा कि शायद बाहर आज टेम्परेचर ज़ीरो हो. शायद वाली बात होती है, कंफर्म नहीं होता. तो हाइपोथेसिस जो है वो किसी भी सिचुएशन के हवाले से, उसके होने के हवाले से जो है कॉज जो हम अपने जहन में रखते हैं उसे हाइपोथेसिस कहते हैं. और ये भी किसी भी प्रॉब्लम का फर्जी सॉल्यूशन होता है. और एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसका आगाज़ ही हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से होता है. एंड फोर्थ वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कन्फर्म और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. फिर जब हम उसको चेक करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको लगा कि पानी ठंडा है तो टेम्परेचर ज़ीरो होगा और आप बाहर जाकर जो है वो टेम्परेचर मेयर करने वाले डिवाइस से चेक करते हैं तो वो ज़ीरो ही होता है, तो फिर आपका हाइपोथेसिस कन्फर्म हो जाता है. लेकिन अगर आपको बाहर जाकर पता चलता है कि टेम्परेचर 3 या 4 degrees है तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से फर्जी जो सॉल्यूशंस होते हैं हाइपोथेसिस, उनको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो कि इस एग्ज़ाम्पल में जो बैरोमीटर है, सॉरी जो टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है उसको यूज़ करके आपने किया. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. अब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन भी आ सकती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं, और इसी तरह से स्टेजेस के बारे में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पर मैं बल्कि एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चों ने दो क्वेरीज थी, उनको मैं पहले क्लैरिफाई कर दूँ फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि जो फ़ी लेनी है 3500 rupees वो किस चीज़ की है. तो ये बेटा आप लोगों की फ़ी जो है ये एग्ज़ामिनेशन की फ़ी है फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए, और ये हर सेमेस्टर में होगी. ये पहले सेमेस्टर की फ़ी है, अगले सेमेस्टर में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो फ़ाइनल सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन के लिए ये फ़ी होगी और ये आपको पे करनी होगी. और इसकी डेट जो है वो जब भी आएगी कोई भी शेड्यूल तो आपको ग्रुप में हम बता देंगे, आपको यूट्यूब पर भी बता दिया जाएगा. और दूसरा क्वेश्चन था पेपर पैटर्न के बारे में. पेपर पैटर्न जो है वो आपका वो यूँ है कि आपके जो हैं अभी जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें और फाइनल में भी यही पैटर्न यही होगा, लेकिन मार्क्स का डिफरेंस होगा. अभी आपका 20% यानी 20 marks का पेपर होगा जिसमें MCQs होंगे, और उसके बाद जो है आई थिंक 5 marks जो हैं वो 5 marks का आपका MCQ होगा, और 10 marks का आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और 5 marks के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे. एक मेन चीज़ ये है कि आपका जो ये सिस्टम है इसमें अब चॉइस नहीं होती बिल्कुल भी, हर जो क्वेश्चन है वो आपने करना होता है. शॉर्ट क्वेश्चंस भी जितने आते हैं, अगर आपका 10 marks का है तो 2 marks का एक क्वेश्चन हुआ तो 5 questions होंगे शॉर्ट, और 5 ही MCQs होंगे, और हाफ मार्क का अगर हुआ तो 10 MCQs होंगे आधे नंबर का एक, और इसी तरह से 5 marks का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा. और यही पैटर्न जो है वो आपका उसमें भी होगा फाइनल एग्ज़ाम में, लेकिन वहाँ पर आपका पेपर 70 marks का होगा. तो इसी हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस के और ऑब्जेक्टिव के और लॉन्ग के मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे. लॉन्ग क्वेश्चन उसमें 2 करने होंगे, और इसी तरह से 10 marks जो हैं वो आपके सेशनल मार्क्स हैं, जो कि आपकी क्लासरूम में कंडक्ट के ऊपर कैसे आपका बिहेवियर है, आप पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में या नहीं, आपको असाइनमेंट्स अगर जब दी जाएंगी, जाहिर जब कॉलेज खुलेगा तो असाइनमेंट्स हम आपको देंगे. अभी जो छोटी मोटी आपको बता रहे हैं वो भी आपने साथ करनी है. अटेंडेंस भी उसी में आती है और आपकी प्रेजेंटेशंस भी आती हैं, तो वो तो जब कॉलेज खुलेगा तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. तो अभी आपने फोकस करना है 20% ऑफ एग्ज़ाम के ऊपर जो आपका मिड टर्म है. तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान ना हुआ करें, तो टीचर्स आपके पास मौजूद हैं, हम आपको गाइड भी करेंगे. और पढ़ना बस आपका काम है, अब आप लोग घर में हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे तो आपके पास बहुत टाइम है. तो 3 दिन ही आपका लेक्चर होता है, तो उसके फोकस करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर और साथ साथ पढ़ते जाएं. और वो बच्चे जो ये पूछ रहे हैं कि हम कुछ सब्जेक्ट उर्दू में कर लें कुछ इंग्लिश में कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है. आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है. सिर्फ इस्लामियात जो है वो आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑफ़र होगी तो वो आप लोग उर्दू में पढ़ेंगे, और इसी तरह से उर्दू अरबिक एंड सराइकी जो है वो इंग्लिश में ज़ाहिर नहीं होती क्योंकि वो लैंग्वेजेस हैं. बाकी जितने भी कोर्सेज आप पढ़ेंगे वो सारों का मीडियम जो है वो इंग्लिश होगा. तो मैं
अब आप लोगों ने फोकस करना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर और इन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ कर पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब हम मज़ीद टाइम इसके ऊपर नहीं लगाते, अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड पर कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और ये स्टेप्स जो हैं ये तरतीब से होते हैं, इनमें से ऐसा नहीं होता कि नंबर वन वाला स्टेप जो है वो नंबर थ्री पर आ जाए और नंबर थ्री वाला जो है वो नंबर एट पर आ जाए। हर स्टेप जो है उसकी अपनी एक पॉइंट जगह है और उसने उसी जगह पर ही शुरू होना होता है, उसी जगह पर ही काम करना होता है। तो पहला स्टेप है फॉर्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। फॉर्मूलेशन का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज़ को फॉर्म करना। तो प्रॉब्लम से ही एक्सपेरिमेंट का की बिगिनिंग होती है। तो प्रॉब्लम क्या है? द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, द प्रॉब्लम शुड बी डिटरमिंड सो दैट इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमें पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम क्लियर होंगे तो फिर ही जो है वो अगले स्टेप्स जो हैं उनको क्लियरली फॉलो कर सकेंगे। जब एक दफ़ा एक चीज़ हमारे माइंड में आ जाती है कि वी आर गोइंग टू स्टडी, देन दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू प्रोब, कि जिसका हम पता लगाना चाहते हैं। जब वो पता चल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप फौरन ही उसके साथ एडजेसेंट समझें, बिल्कुल उससे मुत्तसिल होता है, मिला हुआ, वो है फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, हाइपोथेसिस इज़ एन अजम्पटिव सॉल्यूशन बेस्ड ऑन रैशनल आर्ग्यूमेंट। एजम्पटिव का मतलब होता है, एजम्पशन का मतलब होता है फ़र्ज़ करना किसी भी चीज़ को। जैसे हम कहते हैं फ़र्ज़ करें कि कोई भी चीज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाए तो हम ये करेंगे। ठीक है, तो एजम्पटिव सॉल्यूशन यानी जिसमें वो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई होती लेकिन आपने उसको अज्यूम किया हुआ होता है, उसके बारे में एजम्पशन कायम की हुई होती है, और लेकिन उसकी अजम्पशन की बुनियाद कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट होता है। मसलन अगर हम ये कहें कि फ़र्ज़ करो कि चांद जो है वो ज़मीन पर उतर आया है, तो ये अजम्पशन जो है ये रैशनल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे, फ़र्ज़ करें कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो एक हफ़्ता लेट हो जाएँ, ठीक है, आप लोगों के दिल की आवाज़, तो ये रैशनल स्टेटमेंट है, हो भी सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, इसको पकड़ कर नहीं बैठना जाना। अभी जो कैलेंडर हमारे पास यूनिवर्सिटी का आ गया वही फ़ाइनल है। ये आपको एग्जांपल देने के लिए कहा है कि रैशनल आर्ग्यूमेंट यानी जिनकी हकीकत भी हो, कोई जो हो भी सकते हो, बिल्कुल ही ऐसी बातें जो कि ख्यालों में ही मुमकिन हो, वो हाइपोथेसिस नहीं, साइंटिफिक हाइपोथेसिस एटलीस्ट नहीं होते। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक सिंगुलर को कहते हैं, और हाइपोथेसिस SES इसका मतलब होता है मोर देन वन हाइपोथेसिस, प्लूरल है ये। तो हाइपोथेसिस इज़ एन अजम्पटिव सॉल्यूशन बेस्ड ऑन रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। एट दिस स्टेज इट इज़ नोन वेदर द हाइपोथेसिस विल होल्ड और नॉट, यानी हमें नहीं पता होता, नॉट नोन, हमें अभी नहीं पता होता कि ये हमारा जो हाइपोथेसिस, जो फर्जी बात हमने सोची है, क्या ये प्रूव होगी या नहीं होगी। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कन्फर्म और रिजेक्ट इट्स वैलिडिटी। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक साबित हो जाता है, या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। एटलीस्ट वन हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड बिफोर द एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक हाइपोथेसिस जरूरी होता है लेकिन मोर देन वन हाइपोथेसिस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 10 मतलब मैनेजेबल जितने हो, 5 तक जो हाइपोथेसिस हैं वो इजीली हैंडल हो सकते हैं, तो वो बनाते हैं। इवन इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड इट डज़ नॉट अफेक्ट द एक्सपेरिमेंट। बल्कि साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि रिजेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ गुड फॉर साइंस, बिकॉज व्हेन योर हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड यू स्टार्ट ऑन अ न्यू, आप दोबारा से नए सिरे से काम करना शुरू करते हैं, और दोबारा वो, और जो दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन है दैट इज़ वेरी गुड फॉर साइंस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो हाइपोथेसिस जो है एटलीस्ट वन होता है और ये एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट होना ज़रूरी नहीं है, और अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो ये एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि एक्सपेरिमेंटल एक और एंगल के साथ दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाइपोथेसिस जो हैं वो देख लें आप, कि हार्ड वर्क कैन अर्न अ सक्सेस, मेहनत से हमें कामयाबी हासिल हो सकती है, एक हाइपोथेसिस है, और बेस्ड ऑन
रैशनल फैक्ट भी है, हम देखते हैं कैसा होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता, हार्ड वर्क से नहीं भी होता सक्सेस की तरफ, उसके पीछे और बहुत सी चीज़ें होती हैं। और अगर हम इस्लाम को देखें तो जिस चीज़ में हमारी बेहतरी नहीं होती उसमें मेहनत के बावजूद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो वो और फैक्टर्स हैं। द हाई वॉट बल्ब गिव्स अस मोर लाइट, ये भी एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है कि हाई वोल्टेज बल्ब जो होता है उससे हमें ज़्यादा लाइट मिलती है। लर्निंग प्रोसेस स्लोज डाउन ड्यूरिंग इलनेस, ये भी एक फैक्ट है, ये हाइपोथेसिस है कि जब फ़र्ज़ करते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो उसका सीखने का ये लर्निंग प्रोसेस कम हो जाता है। द बॉडी टेम्परेचर राइजेज इन केस ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन, जब किसी को कोई बीमारी होती है या इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। ये सारे जो हैं ये हाइपोथेसिस हैं, और इन्हीं में ही फिर आगे आपको वेरिएबल की एग्जांपल्स भी मिलेंगी। हाइपोथेसिस के बाद आया वेरिएबल। वेरिएबल्स एक्चुअली हाइपोथेसिस की एक और डेफिनेशन भी है, द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक ऐसा बयान जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो बहरहाल नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन वेरिएबल्स। वेरिएबल इज़ अ वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेरी, वेरी मीन्स चेंजेबल, ऐसी चीज़ जो कि चेंज होती रहती हो। वेरिएबल आर प्लूरल ऑफ वेरिएबल विच मीन्स अ चेंजेबल थिंग, ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्स्टेंट ना रहती हूँ, जिनमें चेंज आता रहता हो, जो तब्दील होती रहती हूँ। द थिंग दैट कैन बी वेरीड इज कॉल्ड एज वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, या जो हमारे क्लाइमेटिक टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है। एबिलिटी टू मेमोराइज, हर इंसान की जो है एबिलिटी याद करने की, मेमोरी चीज़ों को मेमोराइज करने की डिफरेंट होती है, डिफरेंट एजेस में डिफरेंट होती है, डिफरेंट डेज, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। सुबह सुबह जैसे बहुत अर्ली जब आप बहुत फ्रेश होते हैं तो आपकी मेमोरी का प्रोसेस तेज़ होता है, जब रात के करीब जो है वो आपका ये स्लो डाउन हो जाता है, जब आप थक जाते हैं तो आपकी लर्निंग और मेमोरी जो दोनों वीक हो जाती हैं। इसी तरह से इमोशनल स्टेट्स, कभी हम खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, तो ये सारी जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। अ हाइपोथेसिस जनरली कंसिस्ट्स ऑफ टू वेरिएबल्स, अभी मैंने आपको बताया ना कि तो हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो एक हाइपोथेसिस में एटलीस्ट टू वेरिएबल्स ज़रूर होते हैं, और वो वेरिएबल्स जो हैं उनका इंटर रिलेशनशिप जो है वो हम स्टडी करते हैं हाइपोथेसिस में। वेरिएबल्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, वेरिएबल्स जो हैं उसकी तीन अकसाम होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी हमारे इवेंट्स की कॉजेज़ होती हैं, और ऐसे वेरिएबल्स जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं कि वो कोई चीज़ कॉज करते हैं, जो किसी भी चीज़ की वजह बन सकते हैं, तो दोज़ आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। द कॉजेज इवेंट्स और फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट एंड अपीयर इंडिपेंडेंटली आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये जनरली कॉजेज़ होती हैं और ये जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये वेरिएबल्स जो हैं ये एनवायरनमेंट में होते हैं। और फॉर एग्जांपल द वोल्टेज ऑफ लाइट बल्ब, प्रीवियस जो आपने पढ़े हैं हाइपोथेसिस, उनमें एक था कि द लाइट, द हाई वॉट बल्ब गिव्स अस मोर लाइट, तो हाई वॉट ऑफ बल्ब जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मोर लाइट जो है, मोर और लेस लाइट जो है वो उसका रिएक्शन है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर हाई वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ लाइट बल्ब, हार्ड वर्क, जैसे आपने पढ़ा हार्ड वर्क कैन अर्न सक्सेस, तो हार्ड वर्क जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉज है सक्सेस की। इलनेस जो है वो कॉज है टेम्परेचर राइज करने की, तो ये सारे जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि माहौल में मौजूद इवेंट्स की कॉजेज या वजूहत होती हैं। दूसरा है जी डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जो हैं वो कंटिंजेंट होते हैं। कंटिंजेंट का मतलब होता है जुड़े हुए होना, कि एक का चेंज जो है वो दूसरे में भी चेंज लेकर आता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, द वेरिएशंस ब्रॉट अबाउट बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस चेंज कैन टेक प्लेस इन द क्लाइंट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है उसी के नतीजे में डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता है। और वो चेंज हमें पता कैसे चलता है, वो क्लाइंट के बिहेवियर से पता चलता है। जैसे हार्ड वर्क कैन अर्न अ सक्सेस, एक इंसान जो बहुत हार्ड वर्किंग है तो उसका हार्ड वर्क जो है उसका बिहेवियर होता है, उसकी वजह से उसको सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो सक्सेस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हुआ है। तो इसी तरह से ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बल्ब। तो ब्राइटनेस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और लाइट की जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से वेरिएबल्स जो हैं ये दो वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, और स्टेटमेंट जो होती है वो इन दोनों के रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रही होती है। जैसे हार्डवर्क कैन अर्न अ सक्सेस, हार्डवर्क और सक्सेस का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसी तरह से बॉडी टेम्परेचर राइजेज इन केस ऑफ इलनेस, के जितनी बॉडी बीमारी ज़्यादा होगी उतना बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड होती हैं। लेकिन ये है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक एक्सपेरिमेंट में है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रहे। यहाँ पर दो तीन एग्जांपल्स हैं, इनसे आपको समझ आएगी कि अनहाइजेनिक कंडीशन कैन कॉज इन्फेक्शन। ये एक हाइपोथेसिस है जिसमें अनहाइजेनिक कंडीशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इन्फेक्शन जो है क्योंकि उसकी वजह से हो रहा है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो है ये एक हाइपोथेसिस है। अगला हाइपोथेसिस इन्फेक्शन, अब यहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, माइंड में रखिए। दूसरा हाइपोथेसिस है इन्फेक्शन लीड्स टू राइज इन टेम्परेचर, नाउ इन्फेक्शन बिकम्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि वो इन्फेक्शन जो है वो वजह होता है टेम्परेचर के बढ़ जाने की, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है नाउ इट हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन प्रीवियस हाइपोथेसिस इट वाज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन्फेक्ट थर्ड जो है थर्ड हाइपोथेसिस द शिवर्स इंटेंसीफाई विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। शिवर्स का मतलब होता है कांपना, इंटेंसीफाई बढ़ जाना विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर जो कि पिछले एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो जो है अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो वो बढ़ा देती है कंपनी को। तो यानी ये ज़रूरी नहीं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किसी एक एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट था तो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होगा, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी एक एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट था वो हमेशा ही डिपेंडेंट होगा। बल्कि डिपेंडेंट वेरिएबल कभी इंडिपेंडेंट बन जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी डिपेंडेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फलसफा नहीं है इसमें, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। मेनली जो है वो फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इनके एग्जाम्पल्स पे ज़रूर आपने अच्छी तरह याद करना है। थर्ड वेरिएबल इज इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, इन्हें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं ये इनको हम एक्स्ट्रा एक्सट्रेनियस इसलिए कहते हैं कि इन एडिशन टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देर आर अदर वेरिएबल्स विच अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी इनका एक्सपेरिमेंट के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल वेरिएबल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अब यूँ देख लेते हैं हम, ये थ्री वेरिएबल्स जो थे उनमें से थर्ड की अगेन दो टू में उसको क्लासीफाई किया गया है। इंटरनल वेरिएबल्स जिसको हम इन्वेंट्री वेरिएबल्स भी कहते हैं और एनवायरमेंटल वेरिएबल। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका रिजल्ट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। इन्वेंट्री वेरिएबल्स या जिसको हम इंटरनल वेरिएबल्स भी कहते हैं, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव स्टेट्स, जो हमारी माइंड के साथ हमारी बॉडी जो मेंटल स्टेट्स होती हैं उसके साथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेशनेस, हंगर, थर्स्ट, मेंटल स्टेट, क्वालिटीज, पर्सनैलिटी, एज, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, फटीग, सोशल स्टेटस एट्सेट्रा। ये ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक हमारे मेंटल स्टेट्स के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मेमोरी की, कि अगर आप जो है वो कोई चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो है वो तीन एज के जो बच्चे हैं उनकी मेमोरी का स्पैन कितना होता है, यानी वो एक वक्त में कितनी चीज़ों को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें हम जो लोग जिन ज़ाहिर ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, फर्ज़ करें आपकी ही क्लास के 10 बच्चे जो हैं वो हमने एक्सपेरिमेंट में एज अ सब्जेक्ट
टेस्ट लिए हैं और हम उन्हें एक कोई भी असाइनमेंट या कोई एक पैराग्राफ दिखाते हैं या कुछ वर्ड्स दिखाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि याद इसको याद करें, देखें कि कितनी देर में वो कितनी इजीली याद कर सकते हैं। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बहुत बहुत फ्रेश हैं मेंटली और कुछ बहुत थके हुए हैं, तो नेचुरली जो थके हुए होंगे वो ज़हीन होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी जो फ्रेश सब्जेक्ट्स की होगी। तो हमारी फ्रेशनेस और हमारी फटीग जो है वो ना चाहते हुए भी हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पर असरअंदाज होती है। इस तरह से अगर किसी को ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट भूख लगी हुई है या प्यास लगी हुई है या कोई मेंटल स्ट्रेस है तो वो सही तरह से एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म नहीं कर सकेगा और ये वो चीज़ होगी जिसका हमें पता भी नहीं चल सकेगा क्योंकि वो विद इन सब्जेक्ट होगी, इंटरनली होगी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं वो अक्सर बहुत बैडली अफेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को, इसलिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वही होता है जिसमें ऑल इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड। तो इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली जो है वो सारे सब्जेक्ट्स एक जितने भी लोग एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेते हैं वो सेम एबिलिटी के लिए जाते हैं, उनकी एज, उनकी मेंटल स्टेट, उनकी एबिलिटी सेम होती है और फिर उनकी हंगर, थर्स्ट, फ्रेशनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है। दूसरे वेरिएबल्स जो इंटरवीनिंग होते हैं यानी जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं वो हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर इन द लैब, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, नॉइज लेवल एट्सेट्रा इफेक्ट द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड इट्स रिस्पॉन्डिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक ऐसी लैब में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत शदीद टेम्परेचर है, ठंडक में, सर्दी में बहुत ठंडक है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये बहुत ऐसा फैक्टर है जो कि एनोइंग होता है, इरीटेटिंग होता है, जिससे परफॉर्मेंस जो है उस पर बुरा इफेक्ट होता है। इसी तरह से लाइट और वेंटिलेशन के प्रॉपर रोशनी अगर नहीं है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है या फिर टू मच लाइट जो है वो भी एनोइंग होती है। और इसी तरह से जो है वेंटिलेशन के अगर हवा प्रॉपर नहीं है और सफोकेशन है तो भी वहाँ पर अनईजी फील करेंगे सब्जेक्ट्स और नॉइज़ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये एनवायरमेंटल वेरिएबल्स यानी ऐसे वेरिएबल्स जो कि विद आउटसाइड सब्जेक्ट होते हैं, उसकी बॉडी में, उसकी ज़ात में, उसके माइंड में नहीं होते बल्कि माहौल में होते हैं, तो वो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। जो अच्छी इक्विप्ड लैब्स होती हैं उनमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इवन साउंड प्रूफ रूम्स भी बनाए जाते हैं, ऐसे कमरे जहाँ पर आवाज़ शोर वगैरह ना जा सके, स्पेशली जब एक्सपेरिमेंट कॉन्सेंट्रेशन पर किए जा रहे होते हैं। तो इट इज़ मेड श्योर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दैट नो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स अफेक्ट द एक्सपेरिमेंट, यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब जब ये फैसला हो गया कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और हमने एक बात भी फ़र्ज़ कर ली कि ये कॉज है और ये इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं यानी ये क्वेश्चन नहीं होता, हाइपोथेसिस इज़ नेवर अ क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि दो वेरिएबल्स को इंटर रिलेशन को बयान कर रही होती है। अब जो है वो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक डिज़ाइन, एक प्लान, एक आउटलाइन बनानी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हो तो आप अपना माइंड मेकअप करते हैं और उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने एक प्रैक्टिकल नोटबुक अपनी बनानी है, आपको अगर कहा गया कि आपने असाइनमेंट है आपकी कि आपने प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है तो आप क्या करेंगे, पहले आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि प्रैक्टिकल्स कहाँ से मिलें, वो आप ख़रीद लेंगे, नोटबुक ले लेंगे, उसके बाद सारी जो है वो प्लान कर लेंगे कि आपने कितने दिनों में इसको करना है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद फिर आप जो है वो उसको ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और आउटलाइन बनाएंगे कि आपने सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की भी ऐसे प्लान और आउटलाइन होती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैप होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ दैट ऑर्गेनाइज्ड एंड फेज्ड मेथोडोलॉजी विच द एक्सपेरिमेंटल अडॉप्ट्स प्रायर टू बिगिनिंग हिज एक्सपेरिमेंट। प्रायर कहते हैं पहले, अपना तजर्बा शुरू करने से पहले जो एक वो खाका बनाता है, एक आउटलाइन बनाता है, एक प्लान करता है, स्केच बनाता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है, उसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैज़ द
same importance in experimental method as the map has in the construction of a house. कोई घर बनाते हुए मैप या नक्शा अगर ना हो तो हम उसको सही तरह घर को नहीं बना सकते, और अगर किसी घर के प्लान को समझना हो तो उसका नक्शा जो है वो हमें सारा कुछ बता देता है उस घर की एब्सेंस में भी. तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहलाता है, और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि इस वक्त हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. इंशाल्लाह जब आप फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप क्रिटिकल थिंकिंग इसका जो पढ़ेंगे ना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग फोर्थ में है आपका वो, तो उसमें जो है ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की टाइप्स शायद आप लोग पढ़ें. तो रेंडमाइज्ड, इनके नाम याद कर लें, रेंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन, आफ्टर ओनली रिसर्च डिज़ाइन वगैरह वगैरह. तो ये इनकी टाइप्स हैं, और इनमें से एटलीस्ट थ्री आप लोग जो हैं इनके नाम याद कर लीजिएगा. ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइट डाउन सम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जी. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑल्सो हैज़ इट्स रोल इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स व्हेन एंड हाउ देयर रिस्पॉन्सेज आर टू बी रिकॉर्डेड, एंड रिकॉर्डेड इज डिटर्मिंड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये बात भी प्लान कर ली जाती है कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट करने हैं, कितने करने हैं, और किस किस वक्त हमने उनका रिएक्शन जो है वो नोट करना है, ये सारा भी इसमें मैंशनड होता है. और क्या ऑपरेटर्स इस्तेमाल होगा, और कितने सब्जेक्ट्स होंगे, किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, किन चीज़ों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को किस तरह से अप्लाई करना है, उसके कितने लेवल्स लेने हैं, ये सारा कुछ जो है ये इस जो स्केच होता है जिसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं उसमें मैंशनड होता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ स्टेज, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स. बल्कि आई थिंक यहाँ तक ही काफ़ी है. सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स में दो चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, तो आप ये लेक्चर लंबा हो जाएगा ज़्यादा, और कुछ बच्चों ने भी कहा भी है कि हमें आप ज़्यादा पढ़ा रही हैं, हमें मुश्किल लग रहा है. बेटा आप लोगों का जो क्रेडिट आर है वो एक घंटा है, पीरियड आपके कॉलेज में 50 मिनट्स का होता है, तो यहाँ पर तो हम 30 मिनट्स का ही आपको लेक्चर दे रहे होते हैं. इससे थोड़ा सा ज़्यादा कभी हो जाता है, लेकिन इससे कम ही होता है, अक्सर 30 मिनट्स ही होता है. तो बहरहाल चलें, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है और समझने वाला है. तो अभी इतना ही, फोर स्टेप्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं, बाकी स्टेप्स इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी. तो अगेन मेरी नसीहत है आपको, एडवाइस यही है कि आप जो हैं वो अपने स्टडीज़ को साथ साथ जारी रखें. अगर आप नहीं करेंगे इस तरह से तो आपको बहुत मुश्किल होगी. और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अपनी अटेंडेंस जो है वो आप ज़रूर दें. आप लोगों के व्यूज़ तो काफ़ी हैं, 500 प्लस और बल्कि 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ एक सब्जेक्ट में हैं. तो लेकिन आप लोग जो हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस के लिए, तो पता नहीं अब आप लोगों के ग्रुप्स में सारे बच्चे शामिल हैं या नहीं हैं. अगर नहीं आप किसी को जानते हैं तो आप प्लीज़ उनको बताएँ, और अटेंडेंस अपने रोल नंबर ज़रूर लिखा करें, क्योंकि हम तो आप लोगों के रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं. आपकी डेली की जो अटेंडेंस आती है इसमें, व्हाट्सएप में भी बच्चे बाज़ों का देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में क्योंकि वो प्राइवेसी लगी हुई है, क्योंकि आपके तो ऑल द टाइम्स टाइम मैसेजेस आते रहते हैं, जो कि जाहिर है इतना टाइम नहीं होता उनको चेक करने का, और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है. सच्ची बात यह है. तो आप लोगों को इसीलिए कहा है कि आप YouTube में जब लेक्चर देख लें तो कमेंट सेक्शन उसके बिल्कुल नीचे है, वो आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा ऐड अ पब्लिक कमेंट. जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो खुल जाएगा कीबोर्ड, और आप उसमें सिंपली अपना रोल नंबर लिख लें, नाम भी लिख लें तो अच्छी बात है. लेकिन अगर नाम है नहीं लिखना चाहते, नहीं पसंद कर रहे, तो सिंपली रोल नंबर लिख लें, आपका रोल नंबर हमारे पास आ जाएगा. और जितने भी बच्चे हैं, जैसे आज जो हैं वो 98-99 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अटेंडेंस थी, तो मैंने वो नोट की है. तो आपकी क्लास में तो साइंस और आर्ट्स के मिलाकर 225 स्टूडेंट्स हैं एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न. बल्कि मुझे कंफर्म पता है कि ऐसा ही है, जो नंबर रोल नंबर्स मैंने आपको दिए. तो आप लोग अपनी कम है आपकी अटेंडेंस, और आपको पता ही है कि सेमेस्टर में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो इन द एंड ये ना हो कि आप लोगों के लेक्चर्स शॉर्ट हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस करें. और परेशान होने की बजाय, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना आप, तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान नहीं करते, परेशान नहीं होते, बल्कि वो मैनेज करते हैं अपने स्ट्रेस को और रिलैक्स होते हैं. तो अब जो है वो एक चीज़ आपके पास आ गई है, आपको गाइडेंस भी मिल रही, तो आपने पढ़ने पर फोकस करना है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।